कृतियों से परिचय और रचनाकारों से मुलाकात के इस कार्यक्रम साहित्य भारती में आप सभी का स्वागत है। सुपरिचित कथाकार संजय का कहानी संग्रह नंगा इन दिनों चर्चाओं में है। उनके इस कहानी संग्रह की समीक्षा के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारेंगे जाने माने समालोचक डॉक्टर नामवर सिंह। इबारत से गिरी मात्राएं सुप्रसिद्ध कवि अशोक वाजपेयी का 10वां कविता संग्रह है। अपने इस कविता संग्रह पर चर्चा करने के लिए वो भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हाल में प्रकाशित विभिन्न तरह के साहित्य से जुड़ी जानकारी तो खैर होगी ही। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी के कुछ प्रमुख प्रकाशनों से जुड़ी जानकारी से, जिसे जुटाया है हमारे साहित्य संवाददाता कुमार विनोद ने। सम्रांगण एक समर्पण की तरह है। वरिष्ठ लेखिका एवं समाज सेविका मेहरुन्निसा परवेज की तरफ से अपने स्वर्गीय पुत्र समर को समर्पित, जीवन की क्षणभंगुरता, असारता और नश्वरता को संबोधित लगभग 350 पृष्ठों का ये उपन्यास जहां लेखिका के लिए स्वयं की पीड़ा से मुक्ति है, वहीं पाठकों के लिए एक पुरानी कथा का नया रूप जो पाने और फिर से खो देने की मानवीय नियति को समकालीन संदर्भ में प्रस्तुत करता है। नाच के बाहर दरअसल हाशिए के बाहर खड़े लोगों की कथा है। इनकी कथा कहने के लिए युवा कथाकार गौरीनाथ ने दर्जन भर स्थितियों और कई दर्जन पात्रों को अपने मंच के लिए चुना है। लेखक का ये पहला कहानी संग्रह है। सुखद इसलिए कि इसमें जिए गए जीवन और चित्रित किए गए जीवन में साम्य साफ दिखता है। जिंदगी यहाँ मजबूरी भरी कड़वाहट और गहरे लगाव के बीच एक साथ उसी रूप में मौजूद है जिस रूप में लेखक के साथ रही। इस वर्ष 80 साल के हो रहे वरिष्ठ कवि नंद चतुर्वेदी की नई कविताएं प्रकाशित हुई हैं। उत्सव का निर्मम समय, शीर्षक के अनुसार ही इस निर्मम होते समय में कवि अपने शब्दों से उत्सव धर्मिता को बचाए रखने की कोशिश करता दिखता है। उनकी चिंता सिर्फ बाहरी दुनिया को ही बेहतर बनाने की नहीं बल्कि भीतरी आत्मा को भी तब्दील करने की है। मध्य हिमालय में बसा है प्राचीन मिथ के पात्र हिडम्बा का गाँव, जहाँ आज देवता रहे हों या ना रहे हों, हार्ड मांस की बनी कहानियां जरूर रहती हैं, जिसे ढूंढ निकाला है कथाकार बटरोही ने। इनका संबंध भी इसी देवभूमि से है। उनके चार कहानी संग्रहों में ये पहला संग्रह है जो यहाँ की रहस्यमयी और आध्यात्मिक प्रकृति को सीधे समर्पित है। संग्रह की अधिकांश कहानियों के केंद्र में भीम की प्रेयसी आदिवासी कन्या हिडिम्बा है, जिसके समय के साथ कई रूप हो गए। होने के बाद अब बारी है पुस्तक समीक्षा की। कॉमरेड का कोट नामक चर्चित कहानी ने संजय को कथाकारों की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया था। तभी से वे कहानी के तयशुदा ढांचे को तोड़कर और नए नए विषय उठाकर पाठकों तथा आलोचकों का ध्यान खींचते रहे हैं। सुप्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर नामवर सिंह इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो आइए उनसे इस कहानी संग्रह पर चर्चा करते हैं। साहित्य भारती में आपका स्वागत है। नामवर जी, संजय का पहला कहानी संग्रह आया था कामरेड का कोट नाम से और काफ़ी चर्चित रहा था, खासतौर से शीर्षक की जो कहानी थी वो तो उस पर जितनी बहस हुई शायद पिछले 2 दशकों में बहुत कम कहानियां होगी। ये जो कहानी संग्रह है इसमें 8 कहानियां हैं, उस कहानी संग्रह के संदर्भ में कैसा है, किस तरह की कहानियाँ हैं, क्या तेवर मिजाज है? कामरेड का कोट कहानी तो एक ऐतिहासिक कहानी हो गई, खास तौर से अपने राजनीतिक दृष्टि के कारण। वामपंथी राजनीति करने वाले लोग भी कितने पाखंडग्रस्त होते हैं और आम जनता से कितने दूर होते हैं। उस समय उदय प्रकाश की कहानी आई थी, आपको याद होगा, कुछ दिनों बाद आई थी और अंत में प्रार्थना जी। वो दूसरी आरएसएस के आदमी को लेकर के लिखी हुई थी, तो कुछ तो राजनीतिक कारण था और एक जिस दृष्टि से लेकर के लिखा गया था उस कहानी को जी। लेकिन उसके बाद ये जो संग्रह, मेरा ख्याल है कि 15 साल के बाद ये संग्रह आया है नंगा जी। 8 कहानियां हैं इसमें, तेवर वही है और उस तरह की कोई बड़ी कहानी इसमें भले न दिखाई पड़े, लेकिन बदले हुए भारत
की स्थिति में मूंछ से लेकर के बुद्धिभोजी तक की एक लंबी यात्रा है। लगभग सारी कहानियां 1991 और 92 से लेकर के 97 तक हैं जी। तो जो रेंज है सामंतवाद और व्यापार जो पूंजीवाद की लड़ाई से लेकर के भूमंडलीकरण तक जी, एक ही कहानी संग्रह को में इतनी दुनिया को समेटा जाए, एक अपने आप में मिसाल तो है ही। इसी में सांप्रदायिकता से जुड़ी भी कहानी है, इसी में जो उच्च वर्ग का पाखंड है जी, वो भी सामने आता जी, है जी, हाँ। और जो ग्रामीण जीवन के जो अंतर्विरोध है वो भी कहानियों के। सच पूछिए तो मुकेश जी, मुझे एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण लगी, कम कहानीकारों में ये बात पाई जाती है, जो अनुभव के अनुसार भाषाओं की जो रेंज है, एक और राजमार्ग पर जैसी कहानी जी, उस उपनिषद युग के मिथिला नरेश के अष्टावक्र की कहानी में एक विशेष प्रकार की भाषा है, दूसरी ओर ये कहानी है, ये कहानी उस युग की है लेकिन आज के युग पर बिल्कुल फिट बैठती है एकदम। दरअसल सच पूछिए तो राजमार्ग पर हम लोगों को चलते ही रोज अनुभव होता है जी, कि कोई अगर विशिष्ट जन गुजरे तो रास्ता बंद कर दिया जाता है, चाहे और लोगों को जितनी असुविधा होती हो जी। इस चीज को उपनिषद की कहानी अष्टावक्र के माध्यम से, और जो व्यंग्य है कि अष्टावक्र स्वयं विरोध करने वाले थे इस कार्य के, और जब स्वयं वो राजगुरु हो गए तो वही दोहराने लग गए जो नियम उन्होंने तोड़वाया था, फिर उस नियम को दोबारा उन्होंने लागू किया। यानी आजकल के हमारे जो नेता हैं वो मंत्री बनने के बाद या ऊंचे पदों पहुंचने पर अष्टावक्रवादी ही लोग हैं जी। तो जो बड़ी ताकत है संजय की वो व्यंग्य की कला, मूछ से लेकर के हर कहानी में जी, एक डंक है और बड़ा तीखा और सटीक डंक है। ये व्यंग्य जो एक कहानी जिसके नाम से ये संकलन है नंगा, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो आनंद वहां नहीं पैदा हुआ, नंगा में वो बात नहीं आ सकी है, बल्कि कहना चाहिए कि जो शीर्षक है जिस कहानी के आधार पर वो सबसे कमजोर कहानी है, उसे कहीं ताकतवर कहानी। तो जो पहली कहानी मूछ है जिसमें ठाकुर साहब अपनी मूछों के कारण ही उस एक छोटे से बनिया के हाथ अपने पूरा का पूरा खेत बेच देते हैं, और अंत में अपनी मूछ जिस मूछ को के लिए अड़ा हुआ था वही मूछ जो है काट के दे देता है जी। तो नाटकीय अंत जो होता है, बड़े अच्छे ढंग से लिखी हुई कहानी है मुकेश जी। एक इसमें कहानी आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, और वो हम मजहब जी, फसाद पर जी, दंगे पर जी, और वही अल्पसंख्यक मुसलमान एक और अब्बास है जो घर में उसके चावल है, जो चावल का व्यापार करता है, और उसके पड़ोस में साथ रहने वाला जो मन्नान है वो कपड़े बेचने का काम करता है, भूखों मर रहा है, लेकिन अंत तक एक ही मजहब के लोग हैं लेकिन दंगे में उसकी मदद नहीं करते हैं, इसलिए दंगे में भी हैसियत का फर्क होता है, एक बड़े आदमी और एक छोटे आदमी में वहाँ भी फर्क होता है। बुनियादी चीज़ मजहब का फर्क नहीं है, बुनियादी चीज़ है हैसियत का फर्क जी। लेकिन गलत फहमी में अब्बास साहब भी फंस जाते हैं जी, अब्बास साहब फंस जाते हैं जी, उनकी बेगम सारा अनाज बेच देती है, पता चलता उनके पास ही नहीं जी। हाँ, ऐसी और कहानियाँ जो इसकी कला की खूबी, बैल जैसी कहानी जो छोटी सी है, और हरियाणा से लेकर के वो एक कोयलेरी का जो प्रदेश है उस प्रदेश में एक ही आदमी की मनस्थितियों का फर्क दिखाया गया है, तो कई कहानियां हैं जो बहुत अच्छी हैं। कुल मिलाकर के एक सधे हुए कलाकार की कहानी कला का जो कौशल है वो नंगा में दिखाई पड़ता है, और संजय ने इस मामले में ये ह्रास नहीं कहा जाएगा बल्कि विकास कहा जाएगा, अपनी पैनी नज़र और रोचक मनोरंजक कहानी कला, तीखे व्यंग और साथ ही जीवन के विभिन्न पहलुओं पर तेज नजर डालने वाले इस कथा संग्रह का स्वागत होना। लेकिन इसकी दो तीन जो कहानियां हैं जी, जैसे डमर है और एक दो कहानियां, वो उस तरह से ना तो छूती हैं ना प्रभाव पैदा कर पाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि ठीक है दो चार कहानियां इसकी बहुत अच्छी हैं, बहुत मजबूत हैं,
लेकिन बाकी में वो चमत्कार वो नहीं कर पाए। देखिए होता है लेखक कभी कभी, यद्यप सारी कहानियाँ 51 और 57 के बीच की हैं, कुछ तो दैनिक अखबारों के लिए लिखी गई है। आमतौर से महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में जो लिखी हुई इसकी कहानियाँ हैं, समकालीन सृजन वाली कहानी है, इंडिया टुडे के वार्षिक अंक में है, हंस में छपी हुई कहानी है, और एक कहानी संभवतः जनमत में है, समकालीन जनमत। तो इन पत्रिकाओं की कहानियाँ ऊंचे स्तर की हैं, लगता है जैसे लेखक ने बाएं हाथ से लिख दिया हो, और कुछ हल्की सी कहानियाँ उन लोगों के लिए, क्योंकि लेखक करता है कि मामूली दैनिक अखबारों के लिए एक कमज़ोर कहानी दे दी, बाकी अच्छी पत्रिकाओं के लिए ज़्यादा बड़ी कहानी दी। तो इस संकलन पर उसका असर तो पड़ जाएगा। हाँ पड़ेगा, क्योंकि अगर दो एक कहानियाँ न देते तो ज़्यादा घटा हुआ संग्रह होता, फिर संख्या भले ही कम हो जाती। नामवर जी, आपने साहित्य भारती के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको भी। ये थे जाने माने समालोचक डॉक्टर नामवर सिंह, जो समीक्षा कर रहे थे संजय के कहानी संग्रह नंगा की। और अब कुछ और किताबों की जानकारी। पुस्तक परिचय का ये खंड अनुदित साहित्य का है। बांग्ला के मशहूर कथाकार सुनील गंगोपाध्याय की कहानियों का एक संकलन आज का समय के नाम से आया है। बिल टेलर की डायरी, मैथिली की मशहूर लेखिका लिली रे की कहानियों का संग्रह है। इसके अलावा विश्व क्लासिक श्रृंखला के तहत आए विदेशी साहित्य के बारे में भी बतला रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार विनोद। एक रचनाकार जब स्वयं अपनी बेहतरीन रचनाएं चुनता है तो वह संग्रह किसी भेंट से कम नहीं होता। आज का समय ऐसी ही एक भेंट है बांग्ला कथाकार सुनील गंगोपाध्याय की तरफ से हिंदी पाठकों के लिए, जिसमें उनकी 12 कहानियां संकलित हैं। ये कहानियां लेखक के उस समृद्ध अनुभव संसार और प्रखर वैचारिक प्रतिबद्धता की प्रतिनिधि हैं, जिसने उन्हें बांग्ला साहित्य के शिखर पर पहुंचाया है। इन कहानियों का हिंदी अनुवाद इंदिरा चटर्जी ने किया है। एक और संग्रह इन दिनों अपने संकलन को लेकर खास चर्चा में है, विल टेलर की डायरी। मैथिली की वरिष्ठ लेखिका लिली रे की 13 कहानियां इसमें संकलित हैं। लिली रे को मैथिली की पहली बोल्ड लेखिका माना जाता है, जिन्होंने परंपरावादी मैथिली समाज में विवाहेतर संबंधों और अन्य वर्जित विषयों पर खुली बात की। इस संकलन में लिली रे की 1956 में लिखी चर्चित कहानी रंगीन पर्दा भी शामिल है, जो मैथिली की पहली बोल्ड कहानी मानी जाती है। इन कहानियों का हिंदी अनुवाद विभा रानी ने किया है। रूसी समाजवादी क्रांति का साहित्यिक दस्तावेजीकरण करने वाले महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक के फेदिन की पहली उमंगे हिंदी पाठकों के लिए एक बार फिर से उपलब्ध हैं। विश्व क्लासिक श्रृंखला के तहत एक और महत्वपूर्ण कृति प्रकाशित हुई है, रामो का भतीजा। देनी दिदेरो की ये रचना द्वंद्ववाद की अनुपम कृति मानी जाती है, खासकर अपने चरित्रों को लेकर, जो बिना फैसला सुनाए किसी भी स्थिति के दोनों पक्षों पर सोचने और सही गलत की शिनाख्त करने के लिए पाठक को खुला छोड़ देती है। अनुदित साहित्य से परिचय के बाद अब वक्त है इस अंक के रचनाकार यानी सुप्रसिद्ध कवि अशोक वाजपेयी से मुलाकात का, उनके ताजा कविता संग्रह इबारत से गिरी मात्राएं पर बातचीत का। वाजपेयी जी अपने पिछले कविता संग्रह समय के पास समय में समय से जूझते रहे हैं और ये जद्दोजहद उनके इस कविता संग्रह में भी नजर आती है। तो आइए उनसे उनकी इस चिंता के बारे में पूछताछ करते हैं। साहित्य भारती में आपका स्वागत है। अशोक जी, पिछले लगभग 4 दशकों से आप कविताएं लिख रहे हैं, आपका ये 10वां कविता संग्रह है, 10वां पड़ाव, 10वां मंजिल जो भी कह लें, कैसा रहा ये सफ़र और यहाँ इस संग्रह के साथ कैसा महसूस करते हैं? अब सफ़र तो देखिए ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि ख़त्म तो हुआ नहीं है, ऐसी उम्मीद तो मैं करता ही हूँ, खुदा जाने दूसरे लोग सोचते हो ख़त्म ही हो गया, लेकिन मैं अभी मानता हूँ कि अभी तो चल रहा है। 40 बरस की ज़िंदगी अगर मैंने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद किसी तरह से सह ली और इसमें अपने को छोटा अनुभव नहीं किया, तो इसका बहुत बड़ा कारण ये कविता है। कविता ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से बचाया, तुच्छेपन से भी बचाया और ईर्ष्या से भी बचाया और झूठे वैभव से भी बचाया और सत्ता और शक्ति के आतंक से भी बचाया और ख़ुद मुझको अपने अहंकार से भी बचाया, तो कविता मेरे लिए एक लगभग धर्म की तरह बन गई। तो 10वां कविता संग्रह क्या मायने रखता है? एक तो ये कि
आप हर वक्त ये कोशिश करते रहते हैं कि आप अपने मुहावरे को और इसलिए उस मुहावरे से प्रकट होने वाली दुनिया को थोड़ा बढ़ाएं, इसका भूगोल थोड़ा विस्तृत करें। मैंने वो कोशिश की है। मैं उनमें से हूँ जो मानता है कि कवि का काम दूसरों की चीरफाड़ करना नहीं है, दूसरों पर फैसला देना नहीं है, उसका बुनियादी काम अपने पर फैसला देना है। और अगर वो अपनी चीरफाड़ प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, सख्ती से करता है तो दूसरों को भी उसमें अपनी चीरफाड़ खुद ब खुद नजर आएगी। तो ऐसा करने की मैंने इसमें कोशिश की। इसमें बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो एक तरह से इस चीरफाड़ की कविताएं कही जा सकती। आपका पिछला कविता संग्रह था समय के पास समय नहीं जी, और इस संग्रह में भी समय की बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। हाँ। क्या बात है, कई कविताएं, मतलब कम से कम एक दर्जन से ज्यादा कविताएं हुई जिसमें समय आता है। असल में देखिए, समय से मेरा बहुत पुराना झगड़ा है। मतलब झगड़ा इस मानी में है कि समय मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है और मैं समय के पार जाना चाहता हूँ और ये मुझे रोकता है, तो मैं समय से झगड़ता हूँ, तो फिर उससे खिलवाड़ करता हूँ। अब हम लोग सब समय में रहना चाहते हैं और सब समय के पार जाना चाहते हैं, ये मनुष्य का, बल्कि मनुष्यता का एक बहुत ही परिभाषक लक्षण है। बिल्ली और कुत्ते और तोते और गिलहरी ये नहीं जाना चाहते समय के पार, लेकिन हम जाना चाहते हैं। हमको समय की याद भी है कि हमसे पहले भी समय था, कि 21वीं सदी होगी तो अब 12वीं भी रही है। तो समय हमारा एक बहुत बड़ा सरोकार है, मनुष्यता का ही बहुत बड़ा एक संदर्भ है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी आभास मिलता है जैसे समय आपसे छूटा जा रहा है, आपके पास समय बहुत कम बचा है और इसलिए आप समय से जूझ रहे हैं। ये तो एक 61 वर्ष के हो गए, तो अब ये तो सोचना ही चाहिए कि आप उत्तर राग में हैं, पता नहीं कितनी जिंदगी बची है। एक दूसरा ये है कि हमारे समय में स्वयं समय की छवियां इतनी तेजी से बदल रही हैं कि आप चाहें भी और आपके पास ऐसा हुनर हो भी, जो कि शायद मेरे पास नहीं भी है, तो उन छवियों से जो समय प्रकट होता है उसको पकड़ के, उसको थाम के रखना बहुत कठिन है। तो ये बात भी मुझे थोड़ा आक्रांत करती है। वाजपेयी जी, इससे पहले कि हम इस संग्रह पर और आगे चर्चा करें, अगर आप अपने खुद एक कविता हमें पढ़ के सुनाएं तो आनंद आ जाए। हाँ जरूर। अब इसको भी जी। आपके समय जी। बीतते को देखना, मैं बीतते को देखना चाहता हूं, पल पल बीतने को, अक्षर अक्षर छितराने को, पंखुरी पंखुरी कुम्हलाने को। हो सके तो मैं बचाना चाहता हूं सुंदरता को समय से, अपनी पगडंडी को किसी मार्ग में लय होने से, अपने सच को अपने ही अंदर मुरझाने से, अपनी आवाज को थरथराने और घबराने से। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि बचा सकूं बचपन की पाठ्य पुस्तक से हितोपदेश का कोई अधपाठ, अंधेरे में याद आया पर गाया ना जा सका प्रणय गान, हलवाई के यहाँ से फेंके गए जूठे दोनों पर झपकते गरीब बच्चों के जीवन की असंभव मधुरिमा, प्रार्थना का समय गुजर जाने के बाद याद आए उसके शब्द, तकलीफ से असमय बूढ़े होते जा रहे शरणार्थी चेहरों में भभकती आंखों में। हो सके तो मैं घर जमीन का एक नक्शा खींचना चाहता हूँ, अपने पोते को ककहरा सिखाते हुए मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, अपने तिनका तिनका छींचते समय की यातना पट्टी पर फिर भी झिलमिलाती उम्मीद की वर्णमाला। मैं बीतते को देखना चाहता हूँ, पल पल बीतने को, अक्षर अक्षर छितराने को, पंखुरी पंखुरी कुम्हलाने को। वाह क्या बात है। तो अशोक जी, इसमें समय तो है ही, एक और शब्द है जो इस संग्रह में बहुत बार आया है, प्रार्थना। हाँ। प्रार्थना, कम से कम 8-10 कविताएं हाँ। आपकी प्रार्थना पर हैं और बहुत सारी कविताओं में प्रार्थना है, क्यों ये समय क्या प्रार्थनाओं का है? नहीं, बल्कि मैंने तो कहा है कि समय कीर्तन का है जी। जिसमें अधिक से अधिक मैं बेसुरे भाव से ही शिरकत कर सकता हूँ, ये समय प्रार्थना का नहीं है। प्रार्थना मुझे लगता है एक मेरी कविता का बहुत पुराना रूपक है। मेरे पहले संग्रह में भी, बल्कि वो पहला संग्रह खत्म ही होता है प्रार्थना और चीख के बीच स्थगित कविता जो कहीं भी नहीं रखी जा सकती। तो मुझे लगता है कि कविता का जो विन्यास है